तो भाई जय श्री राम और वेलकम है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं वज्रेश्वरी। मम्मी कल आपका प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन आज जाओगे तो चला। अच्छा, आपको वज्रेश्वरी माता ने बुलाया है। टेंशन, इतने बार गए हैं, इस बार कैसे कैंसिल होगा। तो देख चलो चलते। फिलहाल एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो सो रहे, इनको पहले उठाते फिर बाद में आपको बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारे लट्टू जी का ख्याल कौन रखेगा। अब देखो यार, होता कैसा है कि इनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। मैं तो इतना ख्याल मतलब पूरा नहीं रख पाता, लेकिन मेरी एक बुआ है, मतलब एक मेरी फ्रेंड की बुआ है, वो भी इनके से सेवा करती थी, जैसे मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जिस दिन ऐसा हो गया यार, आप कहीं जाने वाले हो और इनकी सेवा ना कर पाओ, तो उनको मन में बोलना है कि लड्डू जी घर आपका है, आपको जो खाना है जैसा खाना है जो पसंद हो आप खा लो। ठीक, तो हम भी उनको वैसे ही कहेंगे, लड्डू जी खा लीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं, अपना घर है। तो ऐसा तो मतलब बोल दिया मैंने, बट ठीक है, हम लोग नहीं सेवा कर पाएंगे फिलहाल, तो कि हम लोग को जाना है वज्रेश्वरी। और देखते हैं मैंने क्या पैकिंग करके रखी है फिलहाल, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आप पहुँचते फिर आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने मामा के पास जाता हूँ यार। कि मामा की फैमिली भी जा रही है और मेरी फैमिली भी जा रही है। एक गाड़ी में कम से कम मेरी फैमिली के चार, मैं, पापा, मम्मी और मेरा भाई छोटा, वो हम चार हो गए। उनकी फैमिली से भी तीन, मामा, मामी और उनका छोटा सा बाबू, मस्त कल्लू हमारा, मतलब नाम तो भी रहा है कि, लेकिन हम लोग कल्लू कल्लू बुलाते भाई को। पहले उसको लेके आता हूँ, फिर देखते यार वो आया नहीं लगता अब तक, नहीं आया तो देखते हैं उसके घर जाता हूँ, या फिर थोड़ी देर में शायद आ ही जाएगा वो, है ना। तो वेट करते यार, तो यार कहाँ चल के जाओ अभी, इतना सुबह सुबह, इतना तो नींद भी आ रही है। तो देखा आँख में, देख रहे आँख में, रुकते हैं थोड़ा देर, वेट करते। ए यार कैसे खा रहा है? अरे अब यार कल मुंह खत्म करना, बॉल तो ले आ रहा, गिरा दिया पिन तेरे तो, गिर पिन गिरा दिया मेरा, हट ये ले, बॉल ले तो अपना खेल। ए भूम 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 करता रहता है, धूम मचा ले, धूम मचा ले। तेरे तेरे कैसा दिख रहा है, आँख फाड़ के दिख रहा है। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे एक सीन और है कि दादी को हम लोग साथ ले जाएंगे, क्योंकि दादी नहीं चल पाएगी उतना सीढ़ी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ी वीढ़ी भी होती है। तो ऐसा है कि हम लोग दादी को फिलहाल, हमें जो हमारे नेबर से उनके भरोसे छोड़ के जाएंगे, कि हम लोग खाना वाना तो बना के जा रहे हैं, तो उसको आना है और खाना देना है। अरे यार ये सिटी भी गलत टाइम पे बसती है यार। तो चलते फिलहाल। तो भाई मैं जा रहा हूँ, देखो मेरा लगेज देखो, इतना सारा मेरे हाथ में पकड़ा दिए मेरे घर वाले, इसको जाके नीचे मेरे को पहुँचाना है फटाक से। मैं गाइस हम लोग किस में जाने वाले हैं, हमारे पास अपनी थार है, तो मैं आपको थार दिखाता हूँ, अपनी नंबर प्लेट भी उसका बहुत सही है। तो गाइस ये देखो, ये है अपनी थार, छोटी मोटी थार है, देखो नंबर प्लेट भी एकदम 4533। ये गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए भाई लोग, ये है अंदर की गाड़ी, मस्त सा हैंडल है, बहुत सुंदर सा इंटीरियर है हम लोग का। और ये हमारे सीट, ए पकड़ इसको, ए खुशी देखो इसकी, इसी खुशी कितनी है, इतनी खुशी रिक्शे में बैठ के खुशी। मैं ने बताया पुग्गा ले उसका, हाँ क्या करूँ, हो गया बैठिए बाबू, फिर चलो बैठिए छोटा भाई बैठा, चलो गणपति अप्पा मोरिया। यही जाएगा अकेले, हम लोग रहेंगे यहाँ पे। हे जा उठ जा, हो गया हो गया।
भाई इधर रो रहा है, आएगा कहीं से? हाँ बोले उसको ले, उसको ले, किसे ना रहा है, बोले किसे ना रहा है, किसे ना रहा है, किसे ना रहा है बाबू। तू नीचे उतरने में डर गया, उसको नंगा करके लेकर। 2 hours later. बनाया तो था ये, देखो ना नहाने के बाद कैसा दिख रहा हूँ। पूरा नहाया नहीं है यहाँ, खाली चिल्लाया है, ऐ ऊ करता है, देखो देखो गिर रहा है। हगीस पहन के फूल खिला है। देखो फिलहाल तो जो पानी है ना वो बहुत पीछे, बहुत पीछे, लेकिन जब बारिश का टाइम होता है तो पानी सब यहाँ तक का भर जाता है। ये जो दुकान है सब बंद हो जाती है, पूरा ऊपर तक जाना पड़ता है हम लोग को उस दुकान मतलब नहाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पानी होता है बारिश के टाइम। यहाँ आने का सबसे सही टाइम बारिश वाला ही है। फिलहाल अभी हम लोग सब रेडियो को चलते हैं बजेश्वरी माता के। मस्त तो बन गया ये, वाह। ये टाई भी पहना रहे इसको, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है वो, स्कूल में जा रहा है। स्कूल में ऐसा स्कूल का यूनिफॉर्म ऐसे ही है। दे देखे ऐ फुकट का पहना दी, इतना शादी में जा रहा है। हां बोलना भाई की शादी है मंदिर में। लगा लग गया, बड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा है। वो क्या कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा है, मम्मी का टेंशन ही नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तो भाई अभी वज्रेश्वरी माता के मंदिर जाने से पहले हम लोग यहाँ पे हैं साई मंदिर में, इसके बाद चलेंगे हम लोग वहाँ पे। चलो बतख भी है यार यहाँ पे तो। थोड़ा थोड़ा पिल्लू ऐसा। देखो मंदिर परिसर तो बड़ा है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पे ये बाबा की मूर्ति तो कितनी मतलब खतरनाक है। मतलब पिछले साल पिछली बार मैं आया था तो इसका कलर पप्पा अपन इसलिए पिछली बार तो कलर ब्लू था ना, ग्रे कर दिए पूरा एकदम। अच्छा बोले हम की मूर्ति के पीछे जस्ट यहाँ पे है एक और मंदिर है, जो सबसे पहले आप जाओगे तो आपको गणपति बापा मिलेंगे हमारे। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ोगे तो हमारे भोले बाबा का मंदिर है। ये तीन मंदिर जो है ना आपस में कनेक्टेड है यहाँ से लाइन से। यहाँ पे है हमारे नंदी महाराज, और हाँ यहाँ पे साथ ही साथ नवग्रह मंदिर भी है, तो ये भी दर्शन करते हुए ही जाना। फाइनली वी आर हियर वज्रेश्वरी माता के मंदिर। अभी फटाक से ऊपर चलते हैं। तो ये देखो जिसको मालूम नहीं है जो बीच में है वो है वज्रेश्वरी देवी, और जो इनके राइट साइड है वो है कालिका देवी, और उनके जो लेफ्ट साइड में है वो है रेणुका देवी। तो कुछ ये फोटो यहाँ पे लगा हुआ है इनका। तो गाइस फाइनली वज्रेश्वरी माता का दर्शन करके हम लोग चल पड़े हम लोग अपने घर। बट देखो यार गर्भगृह में फ़ोटो नहीं ले पाया, थोड़ा सा लिया है बट चलेगा भाई। घर का पानी पीने से सुकून है ना, बाहर घूमने पे नहीं मिलता। तो भाई आज के लोग भी ये नहीं करता हूँ, और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।